हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। दिस इज कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 6 लेवल 6 एंड इन टुडे वी विल लर्न लेसन 5। द नेम ऑफ द लेसन इज एडवांस ऑप्शंस इन एमएस वर्ड। आज इस लेसन में हम एमएस वर्ड के कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल नो, इस चैप्टर में बच्चे जानेंगे To create document using a template, template का use करके document create करना, to insert symbols and special characters और symbol को insert करना, to customize the page and page background, page और page background को customize करना, to prepare mailing labels और mailing label तैयार करना सीखेंगे। Creating a document using a template, एक template का use करके document create करना। Word includes a number of template documents formatted for specific uses. MS Word जो होता है उसमें बहुत सारे template documents होते हैं जिनको अलग अलग कामों के लिए, कुछ विशेष कामों के लिए यूज किया जाता है। Each Word document is based on a template document with a normal template, the default. Word का जो document होता है उसमें पहले से ही template document होता है और जो वो टेम्पलेट होती है वो नॉर्मल टेम्पलेट होती है, मतलब उसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसमें नॉर्मल टेम्पलेट होती है, इनबिल्ट होती है। विद वर्ड टेम्पलेट यू कैन इजीली क्रिएट अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, फैक्सेस एंड अवार्ड विद स्पेशलाइज्ड फॉर्मेटिंग। आप टेम्पलेट का यूज करके, वर्ड में टेम्पलेट का यूज करके आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, फैक्सेस क्रिएट कर सकते हैं और अवार्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अवार्ड विद स्पेशलाइज्ड फॉर्मेटिंग मतलब एक फॉर्मेट में अवार्ड्स की, अवार्ड का फॉर्मेट तैयार करके उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट आर अवेलेबल इन द टेम्पलेट्स कैटेगरीज सेक्शन ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। जो टेम्पलेट्स होती हैं वो न्यू डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड में आप जैसे जाएंगे, एमएस वर्ड में न्यू का ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर के आपको टेम्पलेट की कैटेगरी सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर से आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन चूज एन इंस्टॉल्ड टेम्पलेट और चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ टेम्पलेट अवेलेबल ऑनलाइन। आप पहले से ही इंस्टॉल की गई टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं या फिर आप बहुत सारी टेम्पलेट ऑनलाइन भी चूज कर सकते हैं। यू मस्ट कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू डाउनलोड द ऑनलाइन टेम्पलेट। ऑनलाइन टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब टेम्पलेट का प्रयोग करके एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करना सीखेंगे, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्लिक ऑन ऑफिस बटन न्यू, ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और वहां पर से आपको न्यू पर क्लिक करना है। क्लिक इंस्टॉल टेम्पलेट इन वर्ड ऑप्शन। अब आपको इंस्टॉल्ड टेम्पलेट वर्ड ऑप्शन में जाकर के इंस्टॉल टेम्पलेट पर क्लिक करना है। देन क्लिक डिजायर टेम्पलेट। अब आपको जैसी टेम्पलेट चाहिए उस टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक ऑन क्रिएट और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है, आपके सामने जो टेम्पलेट है वो आ जाएगी। यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एंड फॉर्मेट पेंटर रिपीटिंग ए कमांड। इन एडिशन टू बटन्स इन द फॉन्ट ग्रुप यू कैन अप्लाई फॉन्ट फॉर्मेटिंग विद ऑप्शन एट द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इन एडिशन टू बटन्स इन द फॉन्ट ग्रुप, आपको पहले से पता है फॉन्ट ग्रुप पे काफी सारे बटन होते हैं जिनका यूज करके आप जो फॉन्ट है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। विद ऑप्शन एट द डायलॉग बॉक्स यू कैन चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल, चेंज द फॉन्ट कलर, चूज एन अंडरलाइन स्टाइल एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। विद ऑप्शन एट दिस डायलॉग बॉक्स मतलब जैसे ही आप डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स है और ये आप फॉन्ट ग्रुप से ही ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फॉन्ट ग्रुप है और फॉन्ट ग्रुप के
नीचे बॉटम में जहाँ ये फॉन्ट लिखा हुआ है इसके सामने ही एक एरो होती है। इस एरो पर क्लिक करने से आपके सामने ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, और इसके अलावा फॉन्ट कलर भी, अंडरलाइन चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा काफी सारे इफेक्ट भी आप इसमें से चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। वंस यू कैन अप्लाई फॉन्ट फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट, यू कैन कॉपी द फॉर्मेटिंग टू डिफरेंट लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर। मान लिया आपने एक बार फॉर्मेटिंग किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दिया है, और आप उसी फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पर, दूसरी लोकेशन पर डॉक्यूमेंट में कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर यूज करना पड़ेगा। अप्लाई फॉर्मेटिंग विद फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना फॉर्मेट पेंटर का यूज करके, फॉर्मेट पेंटर का यूज करके हम कैसे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर्मेटिंग, डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर बटन, फॉर्मेट पेंटर बटन पर आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसको, जिसके भी आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, देन क्लिक फॉर्मेट पेंटर बटन, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ेंगे। फॉन्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स, अलोंग विद बटन्स इन द फॉन्ट ग्रुप विद अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यू कैन अप्लाई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विद अ फॉर्म फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये जो फॉन्ट ग्रुप होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या फिर फॉन्ट चेंज करना है, तो उसके लिए पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है, लेकिन कुछ शॉर्टकट कीज का ही यूज करके आप उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट पर। जैसे फॉन्ट ग्रुप बटन के लिए आप कीबोर्ड इधर, ये फॉन्ट ग्रुप बटन है इधर, और दूसरी साइड कीबोर्ड शॉर्टकट दिए हैं। फॉन्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करेंगे, फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ पी प्रेस करेंगे, ग्रो फॉन्ट के लिए CTRL प्लस ये वाली की, ग्रेटर देन लेस देन, और स्मॉलर के लिए श्रिंक फॉन्ट के लिए, ग्रो करने के लिए इसको यूज करेंगे, और श्रिंक कम करने के लिए साइज को इसकी को हम यूज करेंगे CTRL प्लस लेस देन। बोल्ड के लिए CTRL प्लस बोल्ड, इटैलिक के लिए CTRL प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, सब स्क्रिप्ट के लिए CTRL प्लस इक्वल, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और प्लस का साइन प्रेस करेंगे, चेंज केस के लिए शिफ्ट प्लस F3, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस L, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस E, राइट के लिए कंट्रोल प्लस R, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस J का आप प्रेस करेंगे। चेक ऑल द शॉर्टकट्स ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट, इन सभी शॉर्टकट को आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर प्रेस करके, मतलब जो शॉर्टकट कीज बताई हैं इनको आप यूज करके देखेंगे। इंसर्टिंग सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना, हम किस तरीके से, कौन सी प्रोसेस का यूज करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंबल या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट स्पेशल सिंबल सच एज ई, ये ई है, इसके ऊपर एक डैश लगा हुआ इस तरीके से, ओ ए एक्सेट्रा विद ऑप्शन एट द सिंबल पैलेट और एट द सिंबल डायलॉग बॉक्स। आप इस तरीके के जो स्पेशल सिंबल्स हैं इनको इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंबल पैलेट या फिर सिंबल डायलॉग बॉक्स का यूज करके। डिस्प्ले द सिंबल पैलेट बाय क्लिकिंग द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिकिंग द सिंबल बटन इन द सिंबल ग्रुप। सिंबल पैलेट या फिर सिंबल डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए, आपके सामने लाने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंबल बटन पर क्लिक करेंगे, सिंबल ग्रुप में जा करके क्लिक द डिजायर्ड सिंबल टू इंसर्ट इट इन द डॉक्यूमेंट। किसी भी सिंबल पर आप क्लिक कर देंगे जो जो भी आप सिंबल अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं।
टू डिस्प्ले सिंबल एडिशनल सिंबल डिस्प्ले द सिंबल डायलॉग बॉक्स बाय क्लिकिंग द सिंबल बटन एंड देन क्लिकिंग द मोर सिंबल बटन सिंबल ऑप्शन। मान लिया आपको जो सिंबल आपके सामने आए हैं उनमें से आपको कोई भी सिंबल नहीं चाहिए, आपको कुछ एडिशनल अलग सिंबल चाहिए, कोई दूसरे सिंबल्स आपको इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए आप सिंपल दोबारा से आप इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद आपको फिर से सिंबल पर क्लिक करना है, सिंबल बटन पर। सिंबल बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मोर सिंबल बटन का ऑप्शन और मिलेगा, उस पर क्लिक करने से आपके सामने और भी ज़्यादा सिंबल्स आ जाएंगे। क्लिक द डिजायर सिंबल एट द डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स में से आप कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक द इंसर्ट बटन, इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक द क्लोज बटन, और उसके बाद फिर क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपने सिंबल सेलेक्ट किया होगा वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। एट द सिंबल डायलॉग बॉक्स विद द सिंबल्स टैब सेलेक्टेड यू कैन चेंज द फॉन्ट एंड डिस्प्ले डिफरेंट सिंबल्स। मान लिया आप सिंबल्स का जो साइज है, मतलब सिंबल का डायलॉग बॉक्स आपने ओपन किया हुआ है और उस सिंबल्स का साइज वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स में ही ऑप्शंस आते हैं जिनका यूज करके आप सिंबल्स का साइज वगैरह फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक द स्पेशल कैरेक्टर्स टैब एट द डायलॉग बॉक्स एंड लिस्ट डिस्प्ले कंटेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स एंड द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट द कैरेक्टर्स। क्लिक द स्पेशल कैरेक्टर्स टैब, स्पेशल कैरेक्टर्स टैब पर क्लिक करेंगे एट द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में अ लिस्ट डिस्प्ले, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे और उसके साथ ही उसमें कीबोर्ड का शॉर्टकट भी लिखा हुआ होगा। आप वहां से या तो कीबोर्ड का शॉर्टकट वहां से नोट कर लीजिए, कीबोर्ड का शॉर्टकट प्रेस करने से भी सिंबल आ जाता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे सामने प्रोसेस दिखाई गई है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है देन सिंबल, और सिंबल ये तो जो रिसेंटली यूज किए गए हैं वो सिंबल आ रहे होंगे यहाँ पर, और इसके अलावा मोर सिंबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये तो सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे देन क्लोज पर क्लिक कर देंगे, आपका जो सिंबल है वो इंसर्ट हो जाएगा या जो स्पेशल कैरेक्टर है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कस्टमाइज द पेज एंड पेज बैकग्राउंड, पेज और पेज बैकग्राउंड को कस्टमाइज करना, कैसे हम एक पेज और पेज बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। टू पेज बैकग्राउंड ग्रुप, द पेज बैकग्राउंड ग्रुप इन द पेज लेआउट टैब कंटेन्स buttons you can use to insert a watermark, change the page color and insert a page border. Page background group होता है page layout tab में, जिसके अंदर बहुत सारे buttons होते हैं, उनमें से ही watermark, change the page color को change करने के लिए या फिर page border apply करने के लिए options होते हैं। आप इनका use करके वॉटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं, पेज कलर चेंज कर सकते हैं और पेज बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई ए बॉर्डर यूजिंग द पेज बॉर्डर बटन इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप। इसके अलावा आप पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं पेज बॉर्डर बटन का यूज करके जो कि पेज बैकग्राउंड में होता है। द पेज ग्रुप इन द इंसर्ट टैब कंटेन बटन्स टू एडिंग अ कवर पेज, अ ब्लैंक पेज एंड ए पेज ब्रेक। इंसर्ट टैब में जो पेज ग्रुप होता है उसके अंदर कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं, कवर पेज ऐड कर सकते हैं, ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हैं और पेज ब्रेक भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप टू अप्लाई वॉटरमार्क, वॉटरमार्क लगाने के लिए अप्लाई करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, स्टेप्स दिए हैं इनको हम फॉलो करके अपने पेज पर वर्ड में अपने पेज पर वॉटरमार्क लगाएंगे। क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, हम पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक वॉटरमार्क बटन, उसके बाद वॉटरमार्क बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक डिजायर्ड वॉटरमार्क ऑप्शन, उसके बाद आपके सामने कुछ फॉर्मेट आ जाएंगे, उनमें से कोई भी आप वॉटरमार्क
ऑप्शन मतलब जो वाटरमार्क का डिजाइन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप टू अप्लाई पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन पेज कलर बटन, पेज कलर पर क्लिक करेंगे, पेज कलर बटन पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन डिजायर्ड कलर। उसके बाद फिर हम कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन है, इसमें पेज लेआउट टैब ओपन है, देन पेज कलर है, पेज कलर के बाद आपके सामने कलर है बहुत सारे, कोई भी कलर आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे आपके पेज पर वही कलर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है। फॉलो द स्टेप टू अप्लाई पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक पेज बॉर्डर बटन, पेज बॉर्डर बटन पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक डिजायर्ड ऑप्शन एट द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। अब हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें से बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स में से कोई भी ऑप्शन हम वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारे सामने स्टेप्स दिए हैं, इनको आप क्लियरली देख लेंगे एक बार। यहाँ पर पेज लेआउट टैब है, पेज लेआउट टैब में बॉर्डर, पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आप कोई भी पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपके सामने पेज बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। फॉलो द स्टेप टू इंसर्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए स्टेप फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक पेज ब्रेक बटन और उसके बाद पेज ब्रेक बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने जो पेज है उस वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा इस तरीके से। प्रिपेयरिंग मेलिंग लेबल्स। मेलिंग लेबल प्रिपेयर करना, तैयार करना। यूज वर्ड्स लेबल फीचर्स टू प्रिंट टेक्स्ट ऑन मेलिंग लेबल्स, फाइल लेबल्स, डिस्क लेबल्स और अदर टाइप ऑफ लेबल्स। यूज वर्ड्स लेबल फीचर, वर्ड्स के अंदर जो लेबल फीचर होता है उसका यूज करके आप प्रिंट कर सकते हैं टेक्स्ट को। प्रिंट टेक्स्ट ऑन मेलिंग लेबल, लेबल मेलिंग लेबल पर प्रिंट कर सकते हैं, फाइल लेबल्स पर कर सकते हैं, डिस्क लेबल पर या फिर किसी भी तरीके के लेबल पर प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट लेबल्स फॉर प्रिंटिंग अ वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड लेबल्स विच यू कैन यूज परचेज एट एन ऑफिस सप्लाई स्टोर। यू कैन यूज फॉर प्रिंटिंग अ वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड लेबल। आप प्री डिफाइंड लेबल भी यूज कर सकते हैं विच यू कैन परचेज, इनको आप परचेज कर सकते हैं ऑफिस सप्लाई स्टोर से। विद द लेबल फीचर यू कैन क्रिएट अ शीट ऑफ मेलिंग लेबल्स विद द सेम नेम एंड एड्रेस और एंटर ए डिफरेंट नेम एंड एड्रेस ऑन ईच लेबल। अब देखिए जो लेबल होता है उसका वर्क क्या होता है, लेबल का यूज करके आप शीट क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ शीट ऑफ मेलिंग लेबल्स। आप मेलिंग लेबल्स की एक शीट क्रिएट कर सकते हैं जिनमें सेम नेम सेम एड्रेस होता है और बाद में फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे स्टिकर्स हैं आप अपने नोटबुक पर लगाते हो उसको भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर किसी एनवलप पर एड्रेस आपको प्रिंट करने हैं, सेम एड्रेस प्रिंट करने हैं उसके लिए, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटिंग क्रिएट ए लेबल विद ऑप्शन एट द एनवलप एंड लेबल्स डायलॉग बॉक्स विद द लेबल्स टैब सेलेक्टेड। आप लेबल को क्रिएट कर सकते हो एनवलप एंड लेबल डायलॉग बॉक्स का यूज करके विद अ लेबल टैब सेलेक्टेड। लेबल टैब होती है उस पर क्लिक करके आप एनवलप एंड लेबल डायलॉग बॉक्स में से लेबल क्रिएट कर सकते हो। प्रिपेयरिंग मेलिंग लेबल्स विद अ सेम नेम एंड एड्रेस। मेलिंग लेबल क्रिएट करना, सेम नेम मतलब नेम और एड्रेस सेम होना चाहिए, उसके लिए हमें मेलिंग लेबल प्रिपेयर करने हैं। क्लिक ऑन मेलिंग टैब, मेलिंग टैब पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक लेबल बटन, लेबल बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लेबल बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप इसमें
लेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस, नेम एंड एड्रेस आप डाल देंगे। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, साइज वगैरह भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग मेलिंग लेबल डिफरेंट नेम एंड एड्रेसेस, अभी हमने सेम नेम का किया था, अब हम डिफरेंट नेम का करेंगे। डिफरेंट नेम का मेलिंग लेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। क्रिएट मेलिंग टैब, मेलिंग टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक लेबल बटन और लेबल बटन पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक न्यू डॉक्यूमेंट बटन और उसके बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करेंगे, देन एट डॉक्यूमेंट स्क्रीन टाइप नेम एंड एड्रेस। डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर हम नेम टाइप करेंगे और एड्रेस टाइप कर देंगे। इस तरीके से हम डिफरेंट नेम के साथ भी लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने एमएस वर्ड के एडवांस ऑप्शंस के बारे में बात की, पेज कलर, पेज बॉर्डर, वॉटरमार्क के बारे में, पेज ब्रेक और मेलिंग लेबल्स। इसके अलावा हमने टेम्पलेट के बारे में बात की, किस तरीके से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं, और हमने वर्ड के कुछ शॉर्टकट्स भी जाने आज के इस लेसन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। वीडियो को लाइक लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।